करते हैं, जैसे कई कस्टमर्स होते हैं स्पेशली बुलेट बुलेट वाले में, ये जानना चाह रहा हूँ कि अपनी बुलेट तो काफ़ी नहीं है, नॉर्मली आप लोग नंबर्स में कितनी देर में अप्लाई करते हैं? मैंने तो यहाँ से जैसे कैसे लेती ऋषिकेश से ना जी, तो ऋषिकेश में एक महीने का लिया था। टेम्प्रेरी नंबर एक महीने का दिखाओ जरा, क्योंकि बिना नंबर के चलाने तो ऑफेंस तो है जी। नहीं आ गया था मेरे पास मैसेज, आ गया था क्राइम कर ले, चोरी चकारी कर ले, नंबर दिखाना है, किसी को मार दे, टेम्प्रेरी नंबर दिखाना है। लेकिन टेम्प्रेरी नंबर हैज टू बी डिस्प्लेड आल्सो, हार्ट ऑफ इट में है ना, टेम्प्रेरी नंबर डिस्प्ले भी तो होगा। अब मान लीजिए आप किसी को भी टक्कर मार के चले जाते हो, हम पकड़ेंगे कैसे आप? सीसीटीवी फुटेज भी अगर हमको मिल जाए तो नंबर तो आएगा नहीं। तो मैं सिर्फ मुझे दिखाओ टेम्प्रेरी नंबर यार, ये मैं केवल इन जनरल बुलेट्स में देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी हैं और आप खुद ही एक सरकारी कर्मचारी हैं, जो मुझे अभी नेम प्लेट देखने से पता चला, पहले नहीं पता था मुझे। तो आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अभी कैसे घूम रहे हो बाहर? अभी तो ऑफिस का टाइम है, कौन से ऑफिस में काम करते हो? सर मैं सहारनपुर से। अच्छा सहारनपुर, यूपी स्वास्थ्य विभाग में? यूपी स्वास्थ्य विभाग में किस पोस्ट पर? स्वास्थ्य विभाग में अपनी क्लिनिक, मतलब क्लिनिक है ना, स्वास्थ्य विभाग कैसे लिखा हुआ आपने यार? क्या स्वास्थ्य विभाग, ये तो खैर वैसे भी ऑफेंस है, पर चलो मान लो कि आपने लिख भी दिया, जिसके क्लिनिक होती है वो स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी होता है भैया, सरकारी जॉब में आपके? हाँ जी सरकारी जॉब में भैया आपके? हाँ जी सरकारी जॉब में जी, वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में है जी, वर्ल्ड बैंक में किसी इसके पोलियो के प्रोजेक्ट? ब्लड बैंक में जी, ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक जी, ब्लड बैंक ना जी। तो आप क्या कर रहे हो ब्लड बैंक में बाइक लेके घूम रहे हो? सर मैं बाइक भैया के नाम पे है जी। भैया कहाँ अभी? नहीं बाइक तो मेरे नाम पे, क्यों बोल रहे हैं भैया के बारे में? बाइक आपके नाम पे है जी। भी चुका रखा स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा, कौन सा ऐसा बताओ है? अब बताओ टेम्प्रेरी नंबर। सर मैं आपको मैसेज दिखा देते हैं, वैसे जा कहाँ रहे थे पहले? सर आप जाते थे कौन सा ऑफिस? ऑफिस यही क्या होता है ये कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा विभाग में नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर? ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस कहाँ पे है? इधर नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ बैठता है? आप तो सहारनपुर में रहते हो मेरे भाई। सर यहाँ पे करूंगा ना हरिद्वार में। हैं? वही सहारनपुर यहाँ पे खोलोगे तुम दवाई की दुकान? कहाँ पे, किस जगह? सर मैं दूध दूंगा। क्यों, इसका मतलब झूठ बोल रहे? सहारनपुर का बंदा है नहीं है? रहने वाले कहाँ? सहारनपुर से, सहारनपुर से आदमी है। रहने वाले कहाँ? सहारनपुर से। इसका ड्रग इंस्पेक्टर क्या नाम है यार? नीरज है इसका नाम, नीरज से। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप सहारनपुर करने वाले हैं, ड्रग इंस्पेक्टर से मिल रहे हैं और दुकान चलाएंगे हरिद्वार में? रोज आओगे वहाँ से? नहीं भैया यहीं पे रहूंगा। डीएम साहब हैं, यहीं पे रहोगे? यहीं पे रहोगे रोज? जी सर। किसने आपको आइडिया दिया यहाँ पे दवाई की दुकान खोलनी चाहिए? ड्रग्स भी काफी बिक रही है इलीगल, जिस जगह तुम नाम ले रहे हो वहाँ पे ड्रग अब्यूज बहुत हो रहा है, इससे तो नहीं खोल रहे हो कहीं? फार्मा की ये दुकान आपकी सहारनपुर में भी तो नहीं है? नहीं भैया नहीं है। या है? नहीं है। नहीं इसका कुछ मनीष गड़बड़ लग रहा है मामला, इज नॉट गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर। ड्रग इंस्पेक्टर से अगर मिलना भी है, क्या खोल रहे हो? सेकंडली एक और बात है, अगर ड्रग इंस्पेक्टर से इनको मिलना भी है तो ये पूछताछ के तो आएंगे ना कि दफ्तर का? भैया पूछ तो रहा था मैं, पूछ तो पूछ रहा था भैया, अगर सहारनपुर से चलता फिरता चला आए नीरज, बड़ा यार ये बताओ तुम्हारा नाम, सॉरी तुम्हारा दफ्तर कहाँ पे है? हाँ 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 नहीं हरिद्वार वाला कहाँ पे है? हरिद्वार वाला कहाँ पे? सीएमओ ऑफिस मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अच्छा तो ये तो यहीं पे ही है ना, रोशनाबाद में ही तो है? अच्छा वहाँ पे आपका ऑफिस है, तो आज तुम्हारा कहाँ का दिन है, देहरादून का कि हरिद्वार का? अच्छा अब मुझे बताओ, ये एक आदमी मुझे मिला है अभी, इसने बुलेट पे अपने बिल्ला चिपकाया हुआ स्वास्थ्य विभाग, ये सहारनपुर से आ रहा है और ये कह रहा है कि आपसे मिलने आ रहा है क्योंकि ये रावली महदूद में दवाई की दुकान खोलना चाहता है, रहने वाला है सहारनपुर का है, तो यहाँ पे इसका क्या इंटेंशन होगा दवाई की दुकान खोलने का इतनी दूर नए जिले में? नहीं बोलो, मैं समझ गया, तो सहारनपुर के कितने लोग चला रहे हैं आपके यहाँ लाइसेंस दुकान इस तरह से? नहीं पर इसके पीछे क्या वजह है यार कि आदमी सहारनपुर से यहाँ पे आ रहा है, दवाई की दुकान यहाँ पे खोल रहा है, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या स्ट्रेटजी?
बिना बिल के माल अगर लाते हैं तो फैक्ट्री कहाँ पे है? हाँ। तो आपके पास ऐसे कितने केमिस्ट हैं भाई सहारनपुर पर बेस्ड इस तरह के, जो आप कह रहे हैं कि बिना बिल के दवाइयाँ ला रहे हैं? नहीं, वर्तमान में हाउ मेनी लाइसेंसेस आर अंडर ऑपरेशन? नहीं, वर्तमान सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं वर्तमान में जो चालू कह रहा हूँ, चालू लाइसेंस इस तरह के। नहीं तो यार वहां पे भाई के नाम पे या दूसरा भाई चला रहा है, ये मैं केमिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप एक बार दिखवा लो कितने केमिस्ट इस तरह से हैं जो यहाँ के निवासी ही नहीं है, ऑपरेट कर रहे हैं और बिना बिल के माल ला रहे हैं। क्योंकि ये बात तो अपने आप में मुझे उससे पूछ के खटक रही है ना कि सहारनपुर छोड़ के अपने डिस्ट्रिक्ट को ही इज कमिंग एंड ओपनिंग अ शॉप इन रावली महदूद, ऐसा कौन करता है? कोई भी नहीं करता ऐसा, तो जबकि पहले इतना कॉम्पिटिशन है फार्मा मार्केट में। तो ये आपके इससे कोई बात नहीं हुई तो भी ये चलता फिरता यहाँ पे चला आया है, तो ये मुझे लग रहा है कोई बड़ा रैकेट है ऑपरेशन। तो आप पहले तो ऐसे सब दुकानों के डिटेल्स मुझे निकाल के दो, ठीक है? ओके, तो आपको फार्मा का कोई नॉलेज यार इससे पहले? जो पहले नॉलेज तो फार्मा की डिग्री दिखाओ, फार्मा की डिग्री दिखाओ। सर डिग्री तो है, डिग्री आपके पास है? नहीं जी, बी फार्मा किया हुआ ना। तो भी तो ये यहाँ पे लॉजिक क्या है खोलने का? सर, मतलब किसने आपको सलाह दी कि यहाँ पे खोले? जी सर, मामा जी, मैं मामा जी बोल रहे थे। मामा जी कहाँ कर रहते हैं? सर वो लक्सर में रहते हैं। लक्सर में? अच्छा, उन्होंने आइडिया दिया जी। वो फार्मासिस्ट है मामा जी? नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा बेटा बी फार्मा किया यहाँ पे खोल लो जी। अच्छा ठीक है, अब दिखाओ टेम्पररी नंबर लाइसेंस वगैरह। भैया देखो मैंने लाइसेंस दिखा दो, बिल्कुल डीएल नहीं, वो अप्लाई कर रखा ना। चलो इनकी बाइक अंदर खड़ी कर दो, कलेक्ट्रेट में एआरटीओ को बुला, अंदर तो खड़ी कर दो अभी, तो अंदर ले आओ। आपका लाइसेंस भी नहीं है, कागज भी नहीं। चलो वो गाड़ी के कागज भी आपके पास नहीं है, और तीसरा आप एक और लाइसेंस बनाने आ रहे हो जिसमें खुद ही मुझे संदिग्ध लग रहा है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था। चलो कोई बात नहीं, अभी पहले आप जरा इसके लाइसेंस रोड के नियम फॉलो करने हैं, नंबर भी आपका नहीं है, सारे नियम उल्लंघन कर रहे हो, लेकिन एक नियम आप फॉलो कर रहे हो, हेलमेट। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अच्छा, चले जाओ, तुम्हारी गाड़ी का नंबर कैसे पता चलेगा? इनका वो भी नहीं है। अरे यार एक नंबर भी नहीं, वो एक इशू, एक तो गाड़ी तो कोई भी चला सकता है। हाँ। गाड़ी तो हमको सबसे बड़ी बात है, आदमी तो भाग जाएगा, हमको तो जब क्राइम होता है तो दैट इज द ओनली व्हीकल से होता है सर, व्हीकल का नंबर कभी भी खाली नहीं। दो डीएल चाहिए ना, ड्रग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस लेने आए थे, मुझे ड्रग लाइसेंस लेने आए थे बिना ड्राइविंग लाइसेंस। कोई बात नहीं, इसका टेप इसके, लेकिन इसकी इनकी अच्छी बात है कि हेलमेट पहने हुए, कागज तो सर घर पे, हेलमेट पहना भी, हेलमेट बांधा भी है। ये तो रूल अबाइडिंग थोड़ा बात तो आप हो, लेकिन पूरा बनो ठीक है। और इसकी तो अब तो जब्त हो जाएगी ना, ये तो चीज होगी, चॉइस ही है। नहीं, अब हम भी तो कानून से बंधे हैं यार, हम कानून के ऊपर थोड़ी हैं। इसमें दो पहलू हैं, एक तो मैं देख रहा हूँ कि हरिद्वार में जहाँ तक बुलेट्स का सवाल है, एनफील्ड हैं या अन्य बुलेट्स भी हैं, ये आपकी काफ़ी हद तक बिना नंबर प्लेट्स के चल रही हैं। या तो ये देर से अप्लाई करते हैं नंबर्स के लिए, या इनको ऐसा लगता है कि टैक्स इसमें ज़्यादा है। लेकिन कुल मिला के ये मुद्दा रोड सेफ्टी कमेटी में भी डिस्कस हुआ कि इस तरह से हम वाहनों को नहीं चलने देंगे जिन पे कि नंबर प्लेट्स नहीं है, क्योंकि यदि इसमें कोई क्राइम हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक करने में बहुत दिक्कत आती है, तो ये बड़ा ऑफेंस है। तो एक तो इस मामले में ये था। दूसरा पहलू जो निकल के आया है कि बहुत से केमिस्ट के लाइसेंसेस हरिद्वार में हैं, इसमें से ये पता चल रहा है कि कुछ लाइसेंसेस ऐसे हैं जो कि अन्यत्र राज्यों में रह के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा संदेशपद बात इसलिए है कि कोई बहुत दूर से यहाँ पे आके आखिर क्यों लाइसेंस लेगा। और ये भी पता चला है कि इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बिना बिल्स के बाकी राज्यों से आ रही हैं, और इसकी भी संभावना रहती है कोई माल अगर बिना बिल के आ रहा है तो कहीं स्पूरियस तो नहीं है, कहीं उसमें और कोई चोरी तो नहीं है, या फिर
उसमें ऐसे कुछ दवाइयां हों जिनका कि ड्रग अब्यूज़ होता हो या NDPS का ऑफेंस भी बुक होता। तो ये देखते हुए मैंने ड्रग इंस्पेक्टर से कहा है कि ऐसे सभी जो लाइसेंसेज हैं जो कि बहुत दूर के राज्यों के हैं, उनकी एक लिस्ट मुझे ज़रूर बना दें ताकि उनको हम एक बार देख लें कि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, कागज़ हैं, ठीक से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या ड्रग अब्यूज़ की किसी प्रकार की कोई संभावना, डाइवर्जन की संभावना, स्पूरियस ड्रग्स की संभावना तो नहीं है।